एक बार फिर आप सभी का लेट्स गेट यूपीएससी सीएससी हिंदी पर स्वागत है। साथियों, सेकुलरिज्म भारतीय संविधान की तासीर में है। चाहे यह शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में 1976 में इमरजेंसी के दौरान 42वें संविधान संशोधन के तहत जारी किया गया था, लेकिन संविधान के जन्म के साथ ही यह शब्द इसके रग रग में बसा है। ये बात मैं क्यों कर रही हूँ? असल में साथियों, अभी आज के दिन मुस्लिम महिलाओं के गुजारे भत्ते को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। ये ऐतिहासिक निर्णय एक बार 1985 में शाहबानो केस में भी लिया जा चुका है, जो कि बाद में एक राजनीतिक मुद्दा बन गया था, जिसके विरुद्ध जाकर सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध राजीव गांधी सरकार ने संसद में एक कानून को पारित कर दिया था, जिसे 1986 के कानून के नाम से मुस्लिम समुदाय में जाना जाता था। साथियों, ये मुस्लिम समुदाय का 1986 का कानून महिलाओं को गुजारे भत्ते से वंचित करता है, और ये जो गुजारा भत्ता है, जो थोड़ा बहुत दिया जाता है, ये मात्र 3 महीने के लिए दिया जाता है। क्या है पूरा मामला, समझेंगे, जानेंगे कि आज ऐसा क्या ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है जिसके तहत मुस्लिम महिलाएं ना केवल एक बल्कि 3-3 कानूनों के तहत अपने गुजारे भत्ते की मांग कर सकती हैं, फिर चाहे वो मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो। असल में साथियों, 10 जुलाई यानी कि आज के दिन भारत के सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को अपना गुजारा भत्ता दिए जाने पर एक अहम फैसला सुनाया है। साथ में साथियों, अब चलिए बात कर लेते हैं कि इस पूरे मामले में ऐसा आज क्या हुआ है, क्या था पूरा मामला जिसमें बेंचेस ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। असल में साथियों, जस्टिस बीवी नागरत्ना एक जज हैं, दूसरे जज जिनका नाम है जस्टिस आइंस्टीन चार्ल्स मसी, इन दोनों की बेंच ने अलग अलग एक सहमत होकर मुस्लिम महिलाओं के लिए फेवर में आकर एक निर्णय को सुनाया है। साथियों, उसमें जस्टिस नागरत्ना ने सीधे तौर पर कहा है कि जो सीआरपीसी की धारा 125 है, वो सिर्फ ना केवल शादीशुदा महिलाओं के लिए बल्कि अविवाहित महिलाओं को भी अपने प्रेमियों से गुजारा भत्ता मांगने का दावा करती है। यानी कि जितनी भी महिलाएं जिनके पास संतान है, फिर चाहे वो जायज है या फिर नाजायज है, अपने पति या प्रेमी से गुजारा भत्ते की मांग कर सकती हैं, क्योंकि धारा 125 धर्म निरपेक्ष प्रावधान है, ना कि कानून। चलिए, किस मामले में ये फैसला सुनाया गया है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। असल में साथियों, 1985 में एक शाहबानो केस आया था, बिल्कुल वैसा ही केस एक बार फिर से आया है, जिसमें अब्दुल समद नाम के एक पति हैं, जिनकी पत्नी को गुजारा भत्ता देने के लिए तेलंगाना कोर्ट में, जो कि हाई कोर्ट है, वहां पर एक चुनौती दी गई थी, जिसमें तलाकशुदा महिला ने दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत फैमिली कोर्ट में याचिका को दायर किया था कि वह अपने पति से गुजारा भत्ता की मांग करना चाहती हैं, जिसे कि वो 1986 के कानून के तहत नहीं चाहती थी। असल में साथियों, 1986 का कानून मात्र 3 महीने के लिए गुजारा भत्ता देता है, और इसीलिए उनकी पत्नी ने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत फैमिली कोर्ट में याचिका को दायर किया था, जिसमें उनके फेवर में इस निर्णय को लिया गया, और कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने उनके पति समद को 10,000 रुपए हर महीने गुजारा भत्ता देने का निर्णय सुनाया, जिससे असंतुष्ट होकर समद ने अभी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसका ऐतिहासिक निर्णय आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और सीधे तौर पर समद की याचिका को खारिज कर दिया है। साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है कि सीआरपीसी की धारा 125 एक धर्म निरपेक्ष प्रावधान है, जो भारत के सभी धर्मों की महिलाओं के लिए है, तो जितनी भी मुस्लिम महिलाएं हैं, वो ना केवल 1986 के कानून या फिर मुस्लिम अधिनियम 2019 के तहत बल्कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भी अपने पति और प्रेमी से गुजारे भत्ते की मांग कर सकती हैं। ये फैसला एक ऐतिहासिक फैसला है। असल में साथियों, अब तक जितनी भी मुस्लिम महिलाएं थी, उनको गुजारा भत्ता नहीं मिल पाता था, क्योंकि जो उनको गुजारा भत्ता मिल भी पाता था, वो इनकी एक मुस्लिम परंपरा, जिसको हम इद्दत के नाम से जानते हैं, इद्दत जो कि 3 महीने का पीरियड होता है, वहीं तक मिलता था।
और इस इद्दत इस्लामी परंपरा के अनुसार कोई भी मुस्लिम महिला अपने पति से जिससे वो तलाक ले चुकी है यानी कि अपने पूर्व पति से गुजारे भत्ते की मांग कर सकती है, लेकिन वो गुजारा भत्ता इद्दत की अवधि तक ही सीमित रहता है। साथियों, ये जो इद्दत की अवधि है ये मात्र 90 दिन की होती है, यानी कि मात्र 90 दिन तक ही किसी मुस्लिम महिला को गुजारा भत्ता मिलता था। अभी इसी के विरुद्ध जाकर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है जिसमें सभी मुस्लिम महिलाओं को सीआरपीसी की धारा 125 के तहत आजीवन गुजारे भत्ते की मांग का दावा करने का फैसला सुनाया है। साथियों, क्या है सीआरपीसी की धारा 125? चलिए इसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। असल में इस धारा के अनुसार कोई भी पति, पिता या फिर बच्चों पर आश्रित पत्नी या फिर माँ बाप बच्चे के गुजारे भत्ते का दावा तब तक कर सकते हैं जब तक उनके पास आजीविका के लिए कोई साधन नहीं है। अगर आप लोग 2025 के लिए आईएएस या आईपीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अनअकैडमी आप लोगों को 3 बैचेस दे रहा है, मंजिल बैच जो कि बाइलिंगुअल बैच है, अचीवर्स बैच इंग्लिश मीडियम का बैच है और नीव बैच आपका इंग्लिश मीडियम बैच है। मेरे जितने भी साथी इंग्लिश मीडियम या फिर बाइलिंगुअल में इनरोल करना चाहते हैं, आप मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए मेरा रेफरल कोड याद रखिएगा जो कि है श्रेया 10, और जब आप श्रेया 10 लगाओगे तो आपको अनअकैडमी के हर कोर्स पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ में साथियों, अनअकैडमी यूपीएससी सबमिट भी लेकर आया है। अगर आप लोग यूपीएससी सबमिट में एनरोल करना चाहते हो तो अनअकैडमी एप्लीकेशन पर फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर कर लीजिए। 20 जुलाई और 21 जुलाई 2024 को कुछ लीडर्स आके आपको गाइड करने वाले हैं। इसी के साथ जितने भी बच्चे प्रीलिम क्वालिफाई कर चुके हैं, मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, गाइस आप लोगों की सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहा है अनअकैडमी एक बड़े प्राइस ड्रॉप के साथ। मात्र 999 के साथ आप अनअकैडमी के साथ यूपीएससी सीएससी मेंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। गाइस जल्दी से एनरोल कीजिए, और अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो मेरा रेफरल कोड है श्रेया 10, आप इसे लगाना मत भूलिएगा। साथ में साथियों, अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी को 3 एडिशनल न्यू फीचर्स दे रहा है। एक है क्विक रिवीजन मॉड्यूल, दूसरा एआई बेस्ड आंसर इवैल्यूएशन, एआई बेस्ड इंटरव्यू गाइडेंस। तो अगर आप इनमें से किसी में भी एनरोल करना चाहते हो तो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लीजिए जिससे कि आप इन सभी फीचर्स का फायदा उठा पाओ। साथियों, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए मेरा रेफरल कोड है श्रेया 10, इसे लगाना मत भूलिएगा। श्रेया मेरा नाम है, 10 मेरी बर्थ डेट है, दोनों मिलाकर मेरा कोड बनता है श्रेया 10। साथ में अगर आप सीसेट में वीक हो तो अभी से पढ़ाई शुरू कर दो जिससे कि 2025 का सीसेट आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। ये 20,000 के कोर्स पर फिलहाल 50% का ऑफ चल रहा है। गाइस, 50% ऑफ पे एडिशनल 1000 ऑफ आपको 20 जुलाई तक मिल रहा है, तो देर मत करो, ज्वाइन कर लो। और डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा रेफरल कोड यूज कर लेना जो कि है श्रेया 10। साथ में साथियों, ऑप्शनल में इनरोल करो क्योंकि ऑप्शनल के बिना यूपीएससी अधूरा है। तो ऑप्शनल डिसाइड कीजिए, पढ़ाई शुरू कीजिए, कोर्स में इनरोल करना है तो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए यूज कीजिए श्रेया 10। तो गाइस, ये था पूरा टॉपिक, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आप इस ऐतिहासिक निर्णय पर क्या सोचते हैं, क्या आपकी राय है, कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। साथ में अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना है तो मेरा रेफरल कोड है श्रेया 10। मेरे साथ पर्सनली कम्युनिकेट करना चाहते हो तो अनअकैडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, वहाँ पे मेरी प्रोफाइल का नाम है श्रेया मैम, इसे आप डबल क्लिक करके फॉलो कर लो जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो गाइस, ये था पूरा टॉपिक, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। जाने से पहले अभी के लिए बस इतना ही, तब तक स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, हैव अ गुड नाइट, बाय ऑल, सी यू टुमारो, लव यू गाइस, थैंक यू सो मच।